नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की एक महत्वपूर्ण खबर पर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और जिला किशतवाड़ के चुनाव प्रभारी रजनी सेठी के नेतृत्व में आज खारियान, पसरकूट, इंद्रवाल निर्वाचन क्षेत्र और हवल सिंगम में एक उच्च ऊर्जा चुनाव अभियान चलाया गया। उनके साथ भाजपा के प्रमुख लोग थे, जिनमें डीडी फारूक प्रवक्ता भाजपा किशतवाड़ और इंद्रवाल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी, साथ ही इंद्रवाल निर्वाचन क्षेत्र के संयोजक प्रशांत भंडारी और निर्वाचन क्षेत्र के लिए सह संयोजक शांति भंडारी शामिल थे। हिमाचल प्रदेश से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिलाल शाह एएसबी ने भी स्थानीय समुदाय को शामिल करने में टीम में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। यह अभियान विकास, एकता और प्रगति के लिए भाजपा के दृष्टिकोण को साझा करने पर केंद्रित था, जो स्थानीय मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो भारी संख्या में आए थे। नेताओं ने जनता को संबोधित किया, पार्टी की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को रेखांकित किया, साथ ही भाजपा के पक्ष में निर्णायक वोट के महत्व पर जोर दिया। अभियान ने क्षेत्र के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भाजपा टीम के सामूहिक दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। कांग्रेस को तो दोनों उग्रवादियों से मिली हुई पार्टियों के नकाब खुले। आज तक हम लोगों को पता नहीं था कि इनकी करतूतें क्या थी। मैं अभी जिस गाँव में गई, वहाँ मेरी बहन कह रही थी कि कश्मीर में इतना कुछ हुआ। कश्मीर में पंडितों को निकाल दिया गया, क्या वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हुए? यहाँ की महिलाओं को नहीं पता था? तो कहने का मतलब ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों की नजर जब थी तब भी हमारी औरतों के साथ क्या होता था, पुरुषों के साथ क्या हुआ है, और 1989 में वहां से माइग्रेशन कैसे हुई? ये पॉलिटिकल पार्टियां थी ना, सरकार इनकी थी। सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कश्मीर जम्मू में किसकी सरकार थी? एनसी की। ठीक है, जब यहाँ विस्थापन हुआ, जब माइग्रेशन हुई, उस माइग्रेशन के दौरान फारूक अब्दुल्ला जी कहाँ गए? भाग गए। उन्होंने हमें उसी दशा में छोड़ दिया। उन्होंने मिलिटेंटों को कहा मारिए, कत्ल करिए, औरतों को आरों में रखकर चीर दिया जाता था, याद होगा आप सबको। कश्मीरी पंडितों को कहा गया कि औरतें छोड़ जाओ और मर्द भाग जाओ। जी देखिए, सामने ये बोल रहे हैं। मैं भी उसी परिवार से हूँ, मैं माइग्रेंट फैमिली से हूँ, एक कश्मीरी पंडित परिवार से हूँ, जिन्होंने ये दर्द देखा है। वो जब भागे थे ना, टेंटों में रहे थे भाई साहब, जब उनके पास कोई रहने का स्थान नहीं था, मुझे लगता है फटे पुराने टेंट थे, लड़कियाँ किस तरीके से रही हैं, मेरे नजरों के सामने का वो दृश्य आता है सामने। हम नहीं चाहते कि दोबारा हमारे जम्मू कश्मीर में वैसे हालात हों। अभी मेरे भाई कह रहे थे यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किस पार्टी का था? एनसी का था। अपनी कुर्सी पाने के लिए वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। इंडिपेंडेंट अगर वो जीत भी जाता है तो वो जाएगा किसमें? तो आप लोग कितनी मुश्किल से यहाँ मिलिटेंसी के दौर से खत्म हुए हो, तो क्या फिर से मिलिटेंसी में जाओगे? आपको याद होगा किश्तवाड़ में किस तरीके से दुकानों को जलाया गया था, किस तरीके से हमारे जो अल्पसंख्यक लोग थे, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रही, मगर अल्पसंख्यक लोगों को बसों से उतार उतार के गोलियां मार दी जाती थी, जला दिया जाता था। तो किन पार्टियों के रूल था यहाँ? इन्हीं सरकारें थी ना, 70 साल तक इन्हीं सरकारों ने यहाँ शासन किया। मेरे भाई, मेरी जवान नस्ल खत्म हो गई, मेरे युवा तबाह हो गए, चाहे कश्मीर के थे या जम्मू के थे। कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए इन लोगों ने, सिर्फ किस लिए? इन्होंने शासन करना था, इन्होंने मलाई खानी थी जम्मू कश्मीर में, इन्होंने राज करना था, मगर अपने बच्चे कहाँ भेज दिए? इंग्लैंड में, लंदन में, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने भेज दिए। और हमारे युवाओं को क्या कहा? 500 रुपया ले लो, पत्थर चला लो। गिलानी ने यही किया ना। आज तक, आज कहाँ है वो सडरा, कहाँ दिख रहे हैं? अब आप देखो क्या हमारी मानसिकता हो गई है। कश्मीर में आपको पता होगा एक एमपी की सीट कौन जीता? इंजीनियर रशीद जीता। क्यों जीता? उसको गुमराह किया गया, लोगों को बोला गया कि अगर आप वोट देंगे, उनके बच्चों ने बोला, अगर आप वोट देंगे तो हमारा बाप जेल से बाहर आ जाएगा। क्या किसी के वोट देने से कोई जेल से बाहर आता है? तो कितना गुमराह किया जाता है लोगों को। और क्या क्या एमपी बन के आया? क्या ऐसा एमपी होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर का? तो वो तो पूरी स्टेट को ही तबाह कर देगा ना मेरे भाई। एक तरफ हम कह रहे हैं हमने मिलिटेंट्स को खत्म करना है, हमने पाकिस्तान को खत्म करना है, हमारे जम्मू कश्मीर में तबाही करने वाली कौन सी जो कंट्री है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। लगातार पाकिस्तान के संबंध में, पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाकर कौन चल रहा है? एनसी, पीडीपी और कांग्रेस। कांग्रेस ने जब हमारा बंटवारा हुआ था ना 1947 में, वो दोषी है इस बंटवारे का।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार जम्मू एंड कश्मीर की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज पर।